सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है और इस रोम्बस का नाम एबीसीडी है। तो जैसे ही रोम्बस वर्ड आया तो सबसे पहले आपको रोम्बस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर वर्ड है कि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है। तो अब देखिए मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि मिड पॉइंट जब भी बोलेगा तो इसका क्या मतलब होगा, हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस जो कि एक रेक्टेंगल है, ऐसा साबित कीजिए। देखिए जब भी ज्योमेट्री सॉल्व करनी है तो पहले आपको दो से तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहले ये कि रेक्टेंगल साबित करना है, तो रेक्टेंगल मुझे प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल है आप कैसे पता करते हैं, पहले ये समझिए। दूसरी बात रोम्बस है तो रोम्बस है ये आप कैसे डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर आया मीड पॉइंट्स, तो मीड पॉइंट्स अगर होगा तो क्या मीड पॉइंट से रिलेटेड कोई थ्योरियम आपके पास अवेलेबल है। आप इन तीनों का कनेक्शन को एक साथ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक रोम्बस ले लेते हैं और इस रोम्बस का नाम हम लोग ए बी सी डी रखते हैं। अब हमारे पास पी जो है एक मीड पॉइंट है, किस साइड में है, तो देखिए तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ये मीड पॉइंट है साइड ए बी का। तो हम यहां पर साइड ए बी पर एक मीड पॉइंट लेंगे जो कि पी है। उसी तरह से क्यू जो है ये किसका मीड पॉइंट है, ये बीसी का मीड पॉइंट है। तो हम बीसी पर गए और यहां पर एक पॉइंट रखते हैं क्यू, ये मीड पॉइंट है। उसी तरह से यहां पर देखिए आर, आर है ये भी मीड पॉइंट है किसका, सीडी का। तो यहां पर हम आर को रखेंगे जो कि सीडी का मिड पॉइंट है। और एस जो है ये मिड पॉइंट किसका है, डी ए का मिड पॉइंट है। तो यहां पर हम लोग रखेंगे एस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पी क्यू आर एस ये हमारे मिड पॉइंट्स हो गए। तो अब हमारे जब ये मिड पॉइंट्स हो गए तो हम इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो जब हम ज्वाइन करते हैं पी और क्यू को तो पी क्यू लाइन सेगमेंट बनेगा, और जब हम आर और क्यू को ज्वाइन करेंगे तो आर क्यू लाइन सेगमेंट बनेगा, और जब हम एस आर को करेंगे तो हमारा एस आर लाइन सेगमेंट बनेगा। और इस तरह से तो सारे मिड पॉइंट को जब हमने जोड़ा तो हमने ये पाया कि यहां पर सारा ये लाइन सेगमेंट जोड़कर मिड पॉइंट से कुछ इस तरह का शेप ले लिया। तो अब सबसे पहला जो हम लोगों को यहाँ पर सोचना है वो ये है कि क्या हम लोग यहां पर कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है और मिड पॉइंट से रिलेटेड मिड पॉइंट थ्योरम का हमें जो है वो याद आता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, और उसकी जो कंडीशन है मिड पॉइंट की वो कंडीशन ये है कि मिड पॉइंट आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ट्रायंगल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कराना होगा। तो आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल खींचेंगे। तो हमने एक डायगोनल एसी खींच लिया। अब हमें इस रोम्बस को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, क्योंकि अब हम तो दो ट्रायंगल में इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग डिवीजन करेंगे ए सी और डी को, तो ये जो ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल को हमने स्प्लिट किया। तो अभी मैं जाऊंगा एक ट्रायंगल के अंदर, तो मैं अभी देखूंगा किस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर। तो देखिए आप चले गए ए डी सी के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा देखें यहां पर
कि जो हमारा एडीसी है ट्रायंगल, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि एस और जो आर है ये मिड पॉइंट्स हैं, जिससे एक लाइन सेगमेंट बना। तो आप यहां पर देखिए कि जब मैं इस ट्रायंगल को तोड़ के देखा ए डी सी को, तो मुझे दिखाई दिया कि यहां पर दो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब दो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के दो साइड्स पर, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि हम यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते थे, तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमें यह कहता है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड पर मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट के जरिए जो आपका लाइन सेगमेंट बना, मतलब कि एस आर, ये आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, ये वाले थर्ड साइड के, यानी कि ए सी। एक तो ये निकल गया, दूसरा क्या कि यही जो एस आर है ये इक्वली हाफ हो जाएगा किसके, एसी के। तो ये तो हमें कंक्लूजन मिला, ठीक है। तो ये कहां से मिला, तो ये एक्चुअली हमारा जो मिला है ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये हमारा है मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम दूसरे ट्रायंगल को स्प्लिट करेंगे, जो हमारे पास यहां पर ट्रायंगल है ए बी सी को। तो देखिए हम लोग यहां पर एक ट्रायंगल को ब्रेक करेंगे, तो इस ट्रायंगल में जब हम आते हैं ए सी बी के अंदर, जैसा कि आप इस बड़े वाले में देख पा रहे होंगे, तो यहां पर एक मिड पॉइंट है पी एंड क्यू। तो हम यहां पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज पी एंड क्यू। अब देखिए कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के दो साइड्स के, तो आपको पता है कि यहां पर क्या लगता है, मिड पॉइंट थ्योरम लगता है ऐसे कंडीशंस में। तो हम अब आ गए दूसरे ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें से आप लिखेंगे कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और जब अगर ऐसा होता है तो जो लाइन सेगमेंट बना है, जो लाइन बना हुआ है पी क्यू मिड पॉइंट के जरिए, दैट इज वो है पी क्यू, जो कि क्या होगा, ये पैरेलल होगा किसके, एसी के। और यही पी क्यू क्या होगा, इक्वली हाफ होगा किसके, एसी के। ऐसा क्यों होगा, तो आपको पता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मिड पॉइंट्स होता है ट्रायंगल के किसी दो साइड्स पे, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग देखेंगे कि ये एस आर पैरेलल है एसी के, तो हम लोग चलिए देखते हैं, एस आर पैरेलल है यहां पर एसी के। तो यहां पर देखिए कि ये एसी के पैरेलल कौन है, पी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस आर किसके पैरेलल हो गया, पी क्यू के पैरेलल हो गया, मतलब कि ये जो एस आर है ये पैरेलल हो गया आपके पी क्यू के, ये इसके पैरेलल हो गया। अच्छा, पैरेलल होने के साथ साथ और क्या हो सकता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा एस आर है ये इक्वल है हाफ एसी के। तो यहां पे देखिए हाफ एसी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो हम यहां पे हाफ एसी की जगह पे क्या लिखेंगे, पी क्यू को लिखेंगे। तो हमने क्या देखा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो चुका है। तो जब भी पैरेलल एंड इक्वल होता है अपोजिट साइड्स, तो क्या होता है, तो हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है पी क्यू आर एस, ये क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया है। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है, ऐसा प्रूफ करना है हम लोगों को। तो देखिए जो क्लू दिया हुआ था, मैं पहले उस क्लू के जरिए धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। अब मुझे फाइनली टच किसको करना है कि हम रेक्टेंगल कैसे साबित करें। तो आपको पहले रेक्टेंगल की जो कंडीशन है वो समझनी पड़ेगी। तो रेक्टेंगल का कंडीशन ये हुआ करता है कि कॉर्नर्स में,
जो आपका एंगल्स है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री शो करना होगा, या तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री शो करना होगा, या आप यहाँ पर 90 डिग्री शो कर दीजिए, या आप यहाँ पे 90 डिग्री शो कर दीजिए। तो आपको इनके जो एंगल्स यहाँ पे 90 शो करना होगा, तभी ये रेक्टेंगल साबित होगा। तो अब ये 90 कैसे करें, क्योंकि कुछ वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम इसको 90 कैसे प्रूफ करें। तो चलिए, हमारे पास एक छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, दैट इज रॉम्बस, क्योंकि ये भी अगर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो अब आपको भागना है किसकी तरफ, रॉम्बस की तरफ भागना है। तो हमने एक डायगोनल्स यहाँ पे जो है, ये डायगोनल एक हमने बना लिया, और जब ये डायगोनल हमने बनाया तो देखिए ये किसका डायगोनल है, ये आपका रॉम्बस का डायगोनल है, ये जो आपका एसी है ये भी एक डायगोनल है, ये जो बीडी है ये भी एक डायगोनल है। तो ये डायगोनल है किसका, तो ये डायगोनल आपका है रॉम्बस का। तो देखिए रॉम्बस की क्या प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू डायगोनल्स, तो देखिए यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी को अगर हम समझे तो इसमें क्या कह रहा है कि रॉम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रॉम्बस आर इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, रॉम्बस के इक्वल हुआ करेंगे। लेकिन ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि यहाँ पे जो डायगोनल बना है और यहाँ पे जो डायगोनल बना है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना है कि यहां पर आपका क्या हो रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, और ये बाइसेक्टेड भी हो रहा है। बाइसेक्टेड का क्या मतलब हुआ कि ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट का भी मुझे कोई यूज नहीं करना है, बस इतना ही यूज करना है कि जब भी डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री जो है वो क्रिएट किया करेगा। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। अब देखिए कि जब ये मेरा 90 है और इसको अगर मैं प्रूफ कर लूं कि ये 90 आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूरे बड़े से एक पैरेललोग्राम का 90 दिखा देगा, और जब ये 90 इंडिकेट होगा तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब समस्या क्या है इसमें कि हम इसको 90 प्रूफ कैसे करें, क्योंकि अगर आप अब जाएंगे तो आपको अब इसके अंदर देखना पड़ेगा। एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आप देखिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा कि इस 90 को हम इस 90 तक कैसे पहुंचाएं, यहां 90 कैसे लाएं। तो ये बड़ा इजी है, तो इसको थोड़ा सा देखिए हमें करना क्या पड़ेगा कि सारा कॉन्सेप्ट हमारा रेडी है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेता हूं तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम का ये रूल होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो है ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वाला और ये वाला क्या ये पैरेलल हो सकता है, और ये वाला क्या पैरेलल हो सकता है। अगर हो जाएगा तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नाम रख लेते हैं, यहाँ पर मैं सपोज कर लीजिए M, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ N। अब देखिए कि मुझे ये पता है कि ये वाला जो एसी है, ये एसी किसके पैरेलल है, पीक्यू के। ठीक है, ये वाला एसी जो है ये पीक्यू के पैरेलल है, कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोगों ने प्रूव किया था यहाँ पर कि ये पीक्यू पैरेलल है एसी के। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये वाला पूरा पैरेलल है अगर PQ के, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि जो आपका MO है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, PN के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाया करेगा, इसका हाफ भी क्या होगा, पैरेलल हो जाया करेगा। उसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका SP होगा ये PD के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से मिड पॉइंट फ्रॉम S और P क्या है हमारा, एस और पी जो है वो भी क्या होगा,
मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स होने के कारण ये वाला इसके पैरेलल एंड इक्वली हाफ हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो MP है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, ON के। तो देखिए यहां पर कि जो पैरेललोग्राम है इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गए, अपोजिट साइड्स इसके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है तो डेफिनेटली वो कौन है, तो डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम है। तो यहां पर हमने देखा कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बना एम ओ एन और पी, ये फिर से मेरा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया तो हम यहां पर देखेंगे कि पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी हुआ करती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर आपके पास एंगल ओ के बारे में कह रहे हैं तो इसका जो अपोजिट होगा वो यहां पर एंगल पी ये होगा, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हमें पता है कि जो एंगल ओ है ये है क्या, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि रॉम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। तो डेफिनेटली एंगल पी जो मुझे मिला वो क्या मिल गया, 90 मिल गया। तो ये वाला मुझे 90 मिल चुका है। तो अब देखिए कि ये जो है एंगल पी ये बड़े से यहां पर देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस का एक एंगल बन चुका है। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हो गया कि जो आपके पास पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस ये मेरा क्या हो जाता है, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। देयरफोर हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ये एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है जिसमें से हमने ये देख लिया कि एक एंगल क्या हो चुका है, 90 हो सका है। तो देयरफोर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है ये एक क्या बन चुका है, अब एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो ये प्रूव हो गया, इस तरह से ये रेक्टेंगल हो चुका है। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करें, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन एरिया बढ़ाना पड़ेगा, देन ये क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे।